लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। कुकिंग को उस तरीके से ही देखना चाहिए कि सिर्फ ये जेंडराइज नहीं करना चाहिए कि लड़के को खाना ही बनाना चाहिए, लड़कों को नहीं। आई थिंक सबको बेसिक तो आना ही चाहिए। मैं वर्तमान जहाँ उपस्थित हूँ ये तिनसुकिया जिले का गोविंदपुर गांव है, और अब ये गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं। कारण इस गांव के युवक नयन ज्योति सैकिया ने मास्टर से साथ का ताज अपने नाम कर ना सिर्फ इस गांव का नाम रोशन किया बल्कि असम का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के साथ साथ अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया है। हम सीधे जुड़ते हैं नयन ज्योति सैकिया से जो मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 के विनर है, और उनसे जानेंगे उनके कामयाबी के बारे में। सब लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। आई थिंक मैं इस कामयाबी का श्रेय में अपनी कजिन्स को, अपनी बहन को, भाई को या सबको देना चाहूँगा, या फिर मेरे फ्रेंड्स को। उनके बिना शायद मैं ये कम्प्लीट नहीं कर पाता था। वो हर स्टेज में मुझे सपोर्ट किया, ऑडिशन में जाने के लिए भी उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उसके वजह से मैंने ऑडिशन दिया। फिर और हर एक टास्क के पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फ़ोन किया, मैसेजेस किए, और शायद उनके प्यार और जो गुड विशेस उनके वजह से शायद आज ये अचीवमेंट है मेरे। असमवासी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, वो उन लोगों ने भी हर स्टेज में मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मैसेजेस आए मुझे रोज, और शायद ही ऐसा मौका किसी को मिले। इतनी सारे लोगों ने इतना सारा प्यार और आशीर्वाद भेजे मुझे मैसेज के जरिए, फ़ोन के जरिए, तो ये शुक्रिया मैं किस तरीके से अदा करूँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग कुकिंग को लेकर इंटरेस्ट है वो हमेशा सोचते हैं कि कुकिंग को अगर वो करियर बनाएंगे तो शायद उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हाल ही में इतना इंडियन फूड को इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिला है, इंडियन खाने को वर्ल्ड में टॉप 5 में आए हैं इंडियन खाना, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडियन खाने को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, या फिर इंडियन खाने को शोकेस करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे एसएमएस खाना जो है उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में वो बहुत ही नया है और लोग बहुत नए खाने को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कुकिंग को खाना सब एक बेसिक काम है, सब लोग खाते हैं। आई थिंक कुकिंग को उस तरीके से ही देखना चाहिए कि सिर्फ ये जेंडराइज नहीं करना चाहिए कि लड़के को खाना ही बनाना चाहिए, लड़कों को नहीं। आई थिंक सबको बेसिक तो आना ही चाहिए, और अगर उसको लेके कोई करियर बनाना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा बात है, अच्छी बात है कि उनको एक उनका कल्चर, उनका खाना वो प्रेजेंट कर सके। अभी वैसे सोचा नहीं कि क्या करूँ, लेकिन मेरा एक सपना है कि जो नॉर्थ ईस्ट का खाना है, एसएमएस जो खाना है, एसएमएस कल्चर है, उसको मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, नेशनल प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट कर सकूं। आई थिंक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अभी कि लोगों को मैं दिखा सकूं अपना खाना, तो आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी असमिस कल्चर को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहूँगा।